Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव टेक स्मार्ट में। आज आपके लिए एक नए लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ और अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये वाला मॉडल। अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं है इसको, ज्यादा ज्यादा एक से डेढ़ महीने लॉकडाउन से पहले ये मॉडल लॉन्च हुआ था और इसी वजह से मैं इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया था। तो आज मैं मौका मिला है मेरे को और आज मैं इस लैपटॉप की करता हूँ अनबॉक्सिंग। इसका मॉडल इस प्रकार है, 15DI2000TU करके ये मॉडल आता है और कोर i5 के अंदर है ये वाला लैपटॉप है और 10 जनरेशन का प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 1.6 GHz और इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी से आप इसे 4.2 तक आप इसे यूज कर सकते हो। इसमें आपको 6 MB की कैश मेमोरी आपको इसमें देखने को मिलेगी और इसमें आपको 4 कोर आपको इसमें देखने को मिलेगा और ये काफी अच्छा फीचर्स यहाँ मेरे को देखने को मिला है। इसमें आपको 10 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और ये वाला प्रोसेसर 10 नैनोमीटर पे काम करता है। नैनोमीटर ये हर साल इंटेल लॉन्च कर रहा है, अपनी प्रोसेसर को अपग्रेड कर रहा है। पहले 8 जनरेशन आ रहा था और अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है i5 10 जनरेशन और 10 नैनोमीटर पे ये काम करता है। और जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी उतना ही लैपटॉप पावर इंजेक्शन कम करेगा। उस लैपटॉप में पावर बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छा यहाँ देखने को मिलेगा इस वाले लैपटॉप में और इसी लैपटॉप की करूँगा आज अनबॉक्सिंग। देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसे की अपने को देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वो HP का लैपटॉप और इसी की करूंगा आज अनबॉक्सिंग। फिलहाल कर लेता हूँ इसके मेन हाईलाइट फीचर्स की बात। तो सबसे पहले कर लेता हूँ मैं इसके मॉडल की। तो ये आपने को HP लैपटॉप 15DI2000TU करके ये मॉडल आता है और इसमें अपने को देखने को मिलेगी 10 जनरेशन का प्रोसेसर है ही। इसमें आपको 4GB रैम देखने को मिलेगी। अधिकतर लैपटॉप में 2400 MHz ही आ रही थी, इस वाले लैपटॉप में आपको 2666 का MHz का सपोर्ट देखने को मिलेगा जो काफी अच्छा रहेगा। इसमें आपको 1TB डिस्क देखने को मिलेगी जो 5400 RPM पे अच्छे से वर्क करती है। 15.6 की इसमें फुल HD डिस्प्ले आपको देखने को मिल रही है। साथ में मिल रहा है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019। इसमें आपको विंडो 10 होम सिंगल लैंग्वेज 64 बिट में आपको देखने को मिलेगी। और फिलहाल मैं कर लेता हूँ इसकी मैन्युफैक्चर की बात। तो इसमें बॉक्स पे मैन्युफैक्चर अपने को देखने को मिल रही है जनवरी 2020। और करता हूँ इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसे की अपने को देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैं लैपटॉप को करता हूँ ओपन। यहाँ अपने को मिल जाता है 65 वोट का यहाँ अपने को चार्जर और ब्लू पिन के अंदर अपने को यह चार्जर देखने को मिल रहा है। यहाँ अपने को मिल जाती है HP की तरफ से काफी अच्छी यहाँ थर्मल कोल की यहाँ पैकिंग देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं इनको कर देता हूँ रिमूव और लैपटॉप को निकालता हूँ मैं बाहर। तो फ्रेंड्स, अपने को ये फर्स्ट लुक अपने को यहाँ देखने को मिल रहा है HP का और ये वाला लैपटॉप है। और क्वालिटी वाइज क्या बताऊँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफी अच्छी यहाँ अपने को देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कर लेता हूँ मैं इनके पोर्ट्स की बात। तो यहाँ अपने को लाइट के लिए यहाँ चार्जिंग की जो भी लाइट यहाँ ऑन होती है तो लाइटिंग के लिए यहाँ दिया हुआ है और पावर लाइटिंग यहाँ अपने को देखने को मिल रही है। और यहाँ आप लगा सकते हो HD कार्ड और यहाँ आपको मिल जाता है 2.0 का USB पोर्ट। और कर लेता हूँ मैं इसके पोर्ट्स की बात। तो यहाँ अपने को मिल जाता है चार्जर के लिए यहाँ पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ मिल जाता है अपने को Etherlan जो आपको एक अच्छी स्पीड प्रोवाइड करवाएगा। यहाँ आपको मिल जाएगा HDMI पोर्ट और यहाँ आपको देखने को मिलेंगे 2.3.0 के USB पोर्ट। और यहाँ से आप ले सकते हो अपने हेडफोन अपने बूपर के लिए आउटपुट। तो फ्रेंड्स, अपने को यहाँ पीछे की तरफ देखने को मिल रही है दो रबर ग्रिप, बड़ी बड़ी दो रबर ग्रिप यहाँ अपने को देखने को मिल रही है जो आपके लैपटॉप को फिसलने नहीं देंगी। और यहाँ दिया हुआ है एयर वेंट का फीचर्स जो आपके लैपटॉप को कूल रखेंगे। और यहाँ दिया हुआ है लोगो विंडो 10 का लोगो। इसमें आपको विंडो 10 सिंगल लैंग्वेज 64 बिट में आपको देखने को मिलेगी और इस वाले लैपटॉप में आपको ड्यू राइटर का सपोर्ट देखने को मिल ही रहा है। और फिलहाल कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की बात। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसकी बात करता हूँ। यहाँ अपने को 15.6 की एंटी ग्लेयर फुल HD डिस्प्ले हमें यहाँ अपने को देखने को मिल रही है और जिसमें ब्राइटनेस सपोर्ट 220 nits का यहाँ अपने को देखने को मिल रहा है। फुल HD LED डिस्प्ले है ही। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और कीबोर्ड की बात करूँ तो कीबोर्ड भी काफी अच्छा यहाँ मेरे को देखने को मिल रहा है, लेकिन बैकलाइट कीबोर्ड का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा।
और इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको देखने को मिल ही रहा है और कोर i5 10 जनरेशन का प्रोसेसर अभी लॉन्च हुआ ही है, काफी अच्छा लैपटॉप ये मेरे को देखने को मिला है। फ्रेंड्स फिलहाल मैंने लैपटॉप को रेडी करके और मैंने इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट की, काफ़ी अच्छी स्पीड मेरे को यहाँ प्रोवाइड करवाया है लैपटॉप और आई भी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, अभी लॉन्च किया है HP ने 10 जनरेशन और 10 नैनोमीटर पे काम करता ही है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा और इस लैपटॉप में आपको 4GB 1TB का सपोर्ट तो देखने को मिल रहा है, साथ में आपको देखने को मिल रही है 256 की SSD। जिस लैपटॉप में, यही मैं हर बार बताता हूँ, जिस लैपटॉप में आपको अगर SSD का सपोर्ट देखने को मिलता है तो वो लैपटॉप एक अच्छी स्पीड प्रोवाइड करवाएगा, आप इसमें नॉर्मल गेमिंग खेल सकते हो, पबजी गेम आप इसमें खेल सकते हो, बहुत अच्छे से पबजी गेम इसमें चलेगा। GTA 5 अगर आप इसमें खेलना चाहते हो तो वो थोड़ा सा हल्का सा इसमें स्मूथ होगा, इसमें अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो तो एडिटिंग भी आप कर सकते हो, आपको अच्छी स्पीड प्रोवाइड होगी। इसमें आपको 1 ईयर वारंटी मिल जाएगी, वो भी होम सर्विस वारंटी आपको मिलेगी। और बात करूँ मैं इसमें प्राइजिंग की, तो प्राइजिंग अभी इसकी 45 से 46 हज़ार रुपये का मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, ऑनलाइन परचेज करोगे तो वहाँ आपको बैग देखने को नहीं मिलेगा, और अगर आप इसे ऑफलाइन कोई भी स्टोर से, अगर आप कोई रजिस्टर्ड शॉप से परचेज करते हो तो वहाँ इसके साथ आपको 1999 MRP का बैग देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं रिकमेंडेड करना चाहता हूँ, अगर आप ये लैपटॉप परचेज करना चाहते हो तो आप इसे बाय कर सकते हो, आपके लिए काफी अच्छा लैपटॉप रहेगा क्योंकि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ ही है और 10 जनरेशन के, सबसे मेन जो इसकी मैं बात कर रहा हूँ बार बार में, इसमें 10 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिला है जो 10 नैनोमीटर पे काम करता है, और इसकी मैं बात करूँ इस लैपटॉप की पावर बैटरी बैकअप की तो वो भी आपको काफी अच्छी यहाँ प्रोवाइड होगी। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.